इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पे हवा के बेहद खराब होने की वजह से ग्रैब 2 लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि डीजल जनरेटर पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। वहीं दिल्ली में पार्किंग के लिए फीस भी बढ़ाई गई। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पे ग्रेटेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ग्रैब कहते हैं, सरकार ने इस योजना को दिल्ली में और उसके साथ साथ एनसीआर में लगा दिया। आपको बता दें कि वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए इसे बनाया गया है। बता दें कि इसके 4 लेवल होते हैं। अभी ग्रैब 2 को लागू किया जा रहा है और जैसे जैसे AQI यानी हवा का जो उसमें प्रदूषण का औसत बढ़ते जाता है, वैसे वैसे इसके लेवल को भी बढ़ाया जाता है। इससे पहले ग्रैब 1 था, वही अब ग्रैब 2 को लागू कर दिया गया है, जिसमें डीजल और जनरेटर पर बैन लगाया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं दिल्ली से, और पार्किंग के लिए भी फीस को बढ़ाई गई है दिल्ली में, क्योंकि वहां पे जो पोल्यूशन है, हवा का जो AQI इंडेक्स है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसके वजह से ग्रैब 2 लगा दिया गया। आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम दिल्ली से बता रहे हैं। ग्रेटेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, जिसे हम शॉर्ट में ग्रैब कहते हैं, सरकार की एक योजना है जिसे दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं दिल्ली से। बता दें कि हवा के बेहद खराब होने की वजह से दिल्ली में ग्रैब 2 को लागू कर दिया गया है, जिसमें डीजल जनरेटर पर बैन लगाया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इसके साथ ही जो पार्किंग है उसकी फीस भी दिल्ली में बढ़ाई जाएगी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं दिल्ली से। बता दें कि